साल पहले देश के सामने जो सवाल थे, जिस तरह का माहौल था, उसे याद करना, बार बार याद करना आवश्यक है। ये याद रखना जरूरी है कि जिस एक परिवार ने 38 साल देश पर राज किया, उसने देश की कितनी परवाह की। ये याद रखना जरूरी है कि फैमिली फर्स्ट के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सब कुछ रही है। कौन भूल सकता है लाखों करोड़ों के घोटालों की वो खबरें, देश विदेश में शर्मिंदगी की वजह बनने वाले वो भ्रष्टाचार के कारण आ गए। देश के विकास से ज्यादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की करतूतें, रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधानमंत्री और इन सबसे भी ज्यादा कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किए जाने वाले फैसले, और वो भी मंत्रियों को ईमेल पर निर्देश दिए जाते थे। इन लोगों ने मिलकर देश की साख को कहां से कहां पहुंचा दी थी। देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं। कैसे भारत के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण क्या इसलिए किया था, सुभाष चंद्र बोस ने अपने खून की एक एक बूंद देश पर समर्पित कर दी थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने क्या एक पिछड़े भारत के लिए, भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्थाओं वाले देश के लिए बलिदान दिया था? नहीं, हरगिज नहीं। अगर कांग्रेस और उसके परिवार ने यह समझा होता तो देश इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचता जैसे 2014 से पहले था। गरीब को सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दो, मध्यम वर्ग को सिर्फ टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल स्कूल, अस्पताल, जर्जर यातायात व्यवस्था, यही फैमिली फर्स्ट पार्टी के राज की सच्चाई रही है।